गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है यूरेनियम के बारे में। रिसेंटली ह्यूज यूरेनियम के जो डिपॉजिट्स हैं ना, वो ह्यूज अमाउंट में मिले हैं। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है सिकर करके, वहाँ पे। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो यूरेनियम के बारे में होगा, और हम देखेंगे कि कहाँ पे ये जो डिपॉजिट हैं वो फाउंड हुए हैं, यूरेनियम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। यहाँ पे जो यूरेनियम हमारे इंडिया में पाया जाता है ना, ये पहले पाया जाता था यहाँ पे झारखंड और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद जो ह्यूज डिपॉजिट्स हैं यूरेनियम के, वो रिसेंटली फाउंड किए गए हैं राजस्थान में। इन अ बूस्ट टू इट्स इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ठीक है। इंडिया का आपको पता है ना कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। 8 में बेसिकली शुरुआत तो इसकी काफ़ी पहले से हो गई थी। 2008 में इसको जो है उनकी हेल्प से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी वजह से ये जो प्रोग्राम था इसको काफ़ी बूस्ट मिला था। इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड लार्ज यूरेनियम डिपॉजिट्स इन राजस्थान सिकर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सिकर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि राजस्थान की जो बाउंड्री है वो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। देखो यहाँ पे जैसे पंजाब हो गया, फिर यहाँ पे हरियाणा हो गया, और यहाँ पे हो गया उत्तर प्रदेश, और उसके अलावा ये मध्य प्रदेश को भी टच करती है इसकी बाउंड्री। तो ये जो उसकी नदरन वाली साइड में है ना, ये देखो ये सिकर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे यूरेनियम के ह्यूज वो मिले हैं डिपॉजिट्स। द डिपॉजिट्स आर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, ये देखो इतने हेक्टेयर में, ऑलमोस्ट 1000 हेक्टेयर में मिले हैं। सिकर में जो तहसील है खंडेला तहसील, ठीक है, वहाँ पे मिले हैं। वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, जो माइंस एंड पेट्रोलियम के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम एंड अदर मिनरल्स इन द एरिया कुड बी ओवर 12 मिलियन टन। मतलब उन्होंने बोला है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो ओवर 12 मिलियन टन तक की हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम वॉज डिस्कवर्ड इन 1789 बाय मार्टिन क्लापोर्थ, ठीक है। यूरेनियम को फाउंड किया गया था 1789 में, और इसका नाम मिला था, एक मिनरल था जिसका नाम था पिथ ब्लीच, पिथ ब्लेंड, उससे मिला था। और इसका नाम यूरेनियम इस वजह से रखा गया था कि क्योंकि जब यूरेनियम डिस्कवर होता है ना, उससे ठीक 8 साल पहले जो प्लेनेट यूरेनस था उसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए ये जो न्यू एलिमेंट फाउंड हुआ था उसका नाम यूरेनियम रख दिया। फॉर मैनी ईयर्स यूरेनियम वॉज यूज प्राइमरली एज कलरेंट। बहुत सालों तक यूरेनियम को एज ए कलरेंट यूज़ करते रहे, या फिर टिंटिंग इन अर्ली फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी में टिंटिंग की ज़रूरत होती है तो उसके लिए यूरेनियम को यूज़ करते रहे। लेकिन जो उसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो जाके रिकग्नाइज होती हैं 1866 में, एंड इज पोटेंशियल टू यूज़ एन एनर्जी सोर्स। देखो सबसे पहले डिस्कवर हुआ 1789 में, ठीक है, और 1866 तक उन्हें समझ में आया कि इसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और जो उन प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जो न्यूक्लियर यूज़ है वो एनर्जी सोर्स, एज ए एनर्जी सोर्स वो यूज़ कब होना शुरू हुआ, मिड 20th सेंचुरीज में, मतलब कि 1950 के आसपास। आगे देखते हैं, यूरेनियम इज़ नाउ यूज टू पावर कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अभी हम इसका यूज़ करते हैं कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू प्रोड्यूस आइसोटोप्स। इसके आइसोटोप्स बनाए जाते हैं जो कि मेडिकल, इंडस्ट्रियल और डिफेंस पर्पसेस में यूज़ होते हैं। डिफेंस पर्पसेस में न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ होते हैं, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनको वो उसमें ये यूरेनियम एज ए फ्यूल वर्क करता है, और उसके अलावा मेडिकल में इसको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। यूरेनियम वाज अपेरेंटली फॉर्म्ड अबाउट, ये यूरेनियम बनना शुरू हो गया था ऑलमोस्ट 6.6 बिलियन ईयर्स अगो। वाइल इट इज़ नॉट कॉमन इन सोलर सिस्टम टुडे, इट्स स्लो रेडियो एक्टिव डिके प्रोवाइड्स द मेन सोर्स ऑफ हीट इनसाइड द अर्थ, कॉजिंग
कन्वेक्शन एंड कॉन्टिनेंटल रिफ्ट। इसका जो रेडियो एक्टिव डिके है ना, वो जो हमारे अर्थ के अंदर जो हीट है उसका जो मेन सोर्स वो है। ठीक है, आगे देखते हैं अबाउट यूरेनियम में। यूरेनियम इज़ अ सिल्वरी वाइट मेटेलिक केमिकल एलिमेंट एंड हैवी मेटल विच हैज़ बीन यूज्ड एज एन अबंडेंट सोर्स ऑफ कंसनट्रेटेड एनर्जी फॉर ओवर 60 ईयर्स। ठीक है, यूरेनियम अक्कर इन मोस्ट रॉक्स इन कंसनट्रेशन ऑफ 2 to 4 parts per million। मान लो कि अगर एक पत्थर के टुकड़े के हम 10 लाख टुकड़े कर देना, एक पत्थर के हम 10 लाख टुकड़े कर दें, उसमें से सिर्फ 2 या 4 टुकड़ों में ही हमें सिर्फ यूरेनियम मिलेगा, और ये इतना रेयर है। इसी वजह से अगर यूरेनियम यहाँ पे मिल भी गया ना, तो मेन जो डिफ़िकल्टी होगी उसको एक्सट्रैक्ट करने की होगी, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा आता है। एंड एज कॉमन इन अर्थ क्रस्ट एज टिन, टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनियम। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में इसमें फॉर्म मिलता है, टिन, टंगस्टन और मॉलिब्डेनियम में। यूरेनियम अकर्स इन सी वाटर एंड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ओशन। ठीक है, यूरेनियम सी वाटर में भी मिलता है। उसके अलावा देखते हैं, द हाई डेंसिटी ऑफ यूरेनियम मीन्स इट ऑल्सो फाइंड यूजेज इन कील्स ऑफ याच। जो याच होते हैं ना आपके, उसकी कील्स बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। एंड एज काउंटर वेटिंग द एयरक्राफ्ट कंट्रोल सर्फेसिस एज वेल एज फॉर रेडिएशन शील्डिंग। यूरेनियम हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑलमोस्ट 11,000 डिग्री सेल्सियस का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो इसका सिंबल होता है वो कैपिटल यू होता है। आगे देखते हैं इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूजेज है। यूरेनियम इनरिच इन टू U-235। देखो, जो यूरेनियम आपको इन्वायरमेंट में मिलता है ना, वो होता है U-238। ठीक है, ये रहा, ये U-238 ये मिलता है हमको इन्वायरमेंट फॉर्म में। उसको हमें कंसनट्रेट करके U-235 बनाना पड़ता है, जिनको हम बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सबमरीन्स या फिर नेवल शिप्स में यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा उसके न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको पहले कंसनट्रेट करना पड़ता है U-235 में। आगे देखते हैं, यूरेनियम डिपॉजिट्स फाउंड इन राजस्थान प्रॉम्प्टेड द राजस्थान गवर्नमेंट टू इशू अ लेटर ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, जब भी ऐसे कहीं यूरेनियम फाउंड होता है ना, तो जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, सरकार ये करती है कि एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट इशू करती है कि जो जो जिस जिसको इंटरेस्ट हो, या जो जो केपेबल हो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी कोई भी इस तरीके का मटेरियल मिलता है, या कोई मान लो कोल ही मिलता है, तब भी जो सरकार है वो लेटर ऑफ इंटरेस्ट शो करती है, हमेशा इशू करती है। फिर वो कंपनीज आती हैं, फिर उनकी बिडिंग होती है, और कंपनी फिर वो शो करवाती है कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको लाइसेंस मिलता है कि वो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सरकार ने लेटर ऑफ इंटरेस्ट इशू किया है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, तो द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ माइनिंग द रेडियो एक्टिव मटेरियल। उसके अलावा जो इसके ऊपर 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी वजह से ऑलमोस्ट 3,000 लोगों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फायदा होगा, या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूरेनियम इज कंसिडर वन ऑफ द रेयरेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना कि 10 लाख अगर टुकड़े करोगे, तो उसमें से सिर्फ 2 से 4 टुकड़ों में ही आपको ये मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। विद द प्रोसेस इन द यूरेनियम सेक्टर, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट हैव ओपन फॉर द स्टेट। ठीक है, ये बयान दिया है उन्होंने डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने, जो कि वो हैं चीफ सेक्रेटरी हैं माइनिंग एंड पेट्रोलियम के। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि यूरेनियम जो है नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट में। उसके अलावा सिग्निफिकेंस देखते हैं, यूरेनियम इज बीइंग एक्सकावेटेड इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जादूगोड़ा और सिंहभूमि इन झारखंड। ठीक है, झारखंड में जादूगोड़ा और सिंहभूमि है, वहाँ पे मिलता है, और आंध्र प्रदेश में पाया जाता था, और अब से राजस्थान में भी इसके, क्योंकि मिल गए हैं, तो अब यहाँ वहाँ पे भी इसकी एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। अग्रवाल सेड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, माइनिंग ऑफ द मिनरल वुड स्टार्ट इन राजस्थान। अब आगे देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस, ही डिस्क्राइब द डिसीजन टू एक्सप्लोर यूरेनियम एज अ बिग अचीवमेंट इन माइनिंग सेक्टर ऑफ द स्टेट। यूरेनियम इज मेनली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम इज़ ऑल्सो यूज प्रोमिनेंटली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, डिफेंस इक्विपमेंट, फोटोग्राफी एंड अदर्स. ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. आगे देखते हैं कि यूरेनियम वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है. तो 96 ऑफ द ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व्स फाउंड इन दीज 10 कंट्रीज. ठीक है, 10 कंट्रीज में पाया जाता है. एक है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, नामीबिया, उज़्बेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, नाइजर एंड रशिया. और इसमें से भी जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो जो कजाकिस्तान है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ये कितनी वर्ल्ड की, 39% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन कजाकिस्तान से होती है. उसके बाद आता है आपका कनाडा, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया. ये तीनों जो हैं, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं. अब जो भारत में जो इसके जो मिले हैं आपको, मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 1000 हेक्टेयर में वो मिला है कि वहाँ पे वो फाउंड किया जा सकता है. तो उसकी जो राजस्थान का सिग्निफिकेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी बढ़ेगा. इन 1996 द वर्ल्ड प्रोडक्शन यूरेनियम की कितनी थी, 39,000 टन्स ऑफ यूरेनियम, जो कि 2005 में बढ़कर कितनी हो गई, 41, ऑलमोस्ट 42,000 टन्स. इन 2017 दिस इंक्रीज, अच्छा 2017 में ये बढ़ के हो गई थी ऑलमोस्ट 59,500 टन्स. ठीक है, जो कि 93% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड है. तो अब इसके कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, टू बी श्योर द प्रेजेंस ऑफ यूरेनियम इन द एरिया डज नॉट नेसेसरली मीन इट कैन बी एक्सकवेटेड. मैंने आपको बताया ना कि इसको एक्सकवेट करना एक तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए डिटेल सर्वे चाहिए, एक्सप्लोरेशन चाहिए, एक्सकवेशन प्रोसेस, उसको प्रॉपर उसका सर्वे होना चाहिए बिफोर माइनिंग कैन स्टार्ट. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया रॉक का एग्जांपल करके, कि अगर उसके 10,000 10 लाख टुकड़े करेंगे तो उसमें से दो या दो से चार टुकड़ों में ही ये जो यूरेनियम है वो पाया जाता है. ठीक है, तो वो ये इतना रेयर है, तो जो इसका एक्सकावेशन है उसका खर्चा एक तो बहुत आता है, दूसरा इसकी एक्सकावेशन की जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, वो काफ़ी वो होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. तो इस वजह से अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इसकी एक्सकावेशन कब तक स्टार्ट होती है. ठीक है, तो जब उसकी टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग जब हम डेवलप कर लेंगे, तो वैसे तो उनका कहना है, जो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल है, उनका कहना है कि जल्दी ही एक्सकवेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी उसके प्रॉपर सर्वेज होंगे. जिस कंपनी को उन्होंने लेटर ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इशू किया है, तो वो कंपनी जाके उसका सर्वे करेगी, एक्सप्लोर करेगी, और फिर उसका एक्सकवेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखेगी कि ये वाइबल है भी कि नहीं है. ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो आज की क्लास यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.